हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परफेक्शन आईएएस का टेस्ट नंबर 5। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियोस लाइक करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक वरण या चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक वरण या अथवा योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट, दीप्त तीव्रता का मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैंडेला। नेक्स्ट, बोरेक्स का प्रमुख अवयव क्या है? तो बोरेक्स में अगर देखा जाए तो सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यह पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी और ऑप्शन डी यह तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। तनाव की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि अगर तनाव की मूल इकाई देखें तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और वहीं अगर इसकी एसआई या व्युत्पन्न इकाइयां देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके अलावा इसे पास्कल से भी नापा जाता है। तो कुल मिला के एक से अधिक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की गहराई मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फैदोमीटर। फैदोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग ध्वनि तरंग को सतह से नीचे तक यात्रा करने और उसकी प्रतिध्वनि को वापस आने के लिए आवश्यक समय तक पानी की गहराई को मापने में किया जाता है। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में मौजूद है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% उपलब्ध है। इसके अलावा ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जल चक्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निस्यंदन। निस्यंदन वह प्रक्रिया है जिसमें एक तरल या गैसीय पदार्थ में ठोस कणों को एक फिल्टर के माध्यम से निकाल दिया जाता है जो द्रव को पार करने की अनुमति देता है लेकिन ठोस कणों को रोके रखता है। निम्न में से कौन प्रतिरोध की इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओम। प्रतिरोध क्या होती है? तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा में रुकावट का यह माप होता है। नेक्स्ट, पायरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तापमान। जो पायरोमीटर एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर है जिसका उपयोग दूर की वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जैसे सूर्य के अत्यधिक तापमान को मापने के लिए किया जाता है। पारसेक क्या है? तो पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। आघात वर्धनीयता और तन्यता किससे संबंधित है? तो यह धातु से संबंधित है। धातुएं जो होती हैं वो आघात वर्धनीय, तन्य, दिखने में चमकदार होती है। इन्हें चादर के रूप में बनाया जा सकता है या खींचा जा सकता है। नेक्स्ट, ऐसा एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है इसका ये एक अनूठा गुण है कि यह कमरे के तापमान पर भी तरल अवस्था में रहती है। अगला प्रश्न, कृत्रिम वर्षा के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि कृत्रिम वर्षा मेघ बीजन द्वारा प्राप्त की जाती है जो एक प्रकार का मौसम तब्दीली है जिसका उद्देश्य बादलों से गिरने वाली वर्षा की मात्रा या प्रकार को हवा में फैलाने वाले पदार्थों के माध्यम से बदलना है जो बादलों के संघनन या बर्फ के नाभिक के रूप में कार्य करते हैं जो बादल के भीतर सूक्ष्म भौतिक प्रतिक्रियाओं को बदल देते हैं। यह विमान की सहायता से कुछ रासायनिक यौगिकों जैसे सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, पोटेशियम आयोडाइड का मेघ बीजन करके किया जाता है।
तो इस लिहाज से ऑप्शन ए और बी यह दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। निम्न में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होती है? तो यह एक माध्यम के भीतर प्रकाश की किरण का पूर्ण परावर्तन है, जैसे कि पानी या कांच की ऐसी स्थिति जिसमें आपतित किरणें परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। घटना तब होती है जब आपतन कोण एक निश्चित सीमित कोण से अधिक होता है, जिसे क्रांतिक कोण कहा जाता है। जरा दूरदृष्टि यानी प्रेस्बायोपिया नामक नेत्र रोग का उपचार किस प्रकार के लेंस की सहायता से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विफोकल। प्रेस बायोपिया में आंखों की आसपास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का क्रमिक नुकसान हो जाता है। यह उम्र के साथ होने वाली एक स्वाभाविक कष्ट प्रद बीमारी है। निम्न में से कौन प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन वह परिघटना है जिसमें धूल या गैस के अणु, जलवाष्प आदि किसी बाधा से टकराने पर प्रकाश किरणें अपने सीधी रेखा से विचलित हो जाती है। और प्रकाश का प्रकीर्णन कई शानदार घटनाओं को जन्म देता है, जैसे टिंडल प्रभाव, आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र में पानी का रंग और सूर्योदय सूर्यास्त के लाल रंग। तो यह विकल्प ए, बी और सी सही है। तो इसलिए 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट, परिपथ में समान सामग्री और समान लंबाई के मोटे तार का उपयोग करने पर एमीटर की रीडिंग बढ़ जाती है। उपयुक्त प्रेक्षण के आधार पर निम्न में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि एमीटर जो है वो डीसी करंट या एसी करंट को एम्पियर में मापने का एक उपकरण है। किसी चालक का प्रतिरोध, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक की लंबाई और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः जब समान लंबाई के मोटे तार का प्रयोग किया जाता है तो परिपथ में धारा की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए एमीटर की रीडिंग बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, परिपथ में वोल्टता की जांच के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वोल्टमीटर। नेक्स्ट, विद्युत जनित्र या जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडक्शन कुकिंग में, इंडक्शन मोटर्स में, इंडक्शन सीलिंग्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स आदि में विद्युत चुंबकीय प्रेरण काम करता है। लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा क्या होती है? तो यह अत्यधिक बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट एक विद्युत परिपथ होता है जो धारा के अनपेक्षित रास्ते पर गुजरने की अनुमति देता है, अक्सर जहां अनिवार्य रूप से नहीं या बहुत कम विद्युत प्रतिबाधा का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक सामान्य प्रकार का लघु परिपथ तब होता है जब बैटरी के धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल तार की तरह कम प्रयोग वाले चालक से जुड़े होते हैं। निम्न में से कौन एक लंबे सीधे तार के पास चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षेत्र में तार पर केंद्रित संकेंद्रित वृत्त होते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके आसानी से धारावाही लंबे सीधे तार के कारण होने वाली चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न, बायोगैस का सबसे प्रमुख अवयव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन, क्योंकि बायोगैस में मीथेन सबसे ज्यादा 50 से 70% तक पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि भी पाए जाते हैं। लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डायोप्टर।
कार्बन अन्य तत्वों के साथ बंधन के आधार पर कई यौगिक बना सकता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता है, तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। और इसी के लिए कार्बन का एक परमाणु 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है। अगला, गैल्वनीकरण या गैल्वनाइजेशन स्टील और लोहे में को जंग लगने से बचाने की एक विधि है। इसमें किसका आवरण चढ़ाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जस्ता का। गैल्वनाइजेशन जंग को रोकने के लिए एक लोहे या स्टील पर एक सुरक्षात्मक जस्ता कोटिंग चढ़ाने की प्रक्रिया है। सबसे आम तरीका हॉट डिप गैल्वनाइजिंग है, जिसमें स्टील भाग को पिघले हुए जिंक में डुबोया जाता है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 से कम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नींबू का रस। पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान एक माप है जो बताता है कि कोई भी पदार्थ कितना अम्लीय है और क्षारीय है। इसकी सीमा जो है वो 0 से 14 तक निर्धारित की जाती है, जिसमें 7 जो है वो तटस्थ होते हैं। 7 से कम पीएच अम्लता को इंगित करता है, और अगर 7 से अधिक है तो वह क्षार को इंगित करता है। तो अगर हम इसमें इन सब में देखें तो नींबू के रस का पीएच मान 2 होता है, और वहीं अचार का 3.5 से 3.9 होता है। मानव के आंसू का अगर पीएच मान देखा जाए तो 7.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8 होता है। मानव के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और अम्लीय वर्षा का पीएच मान 4.0 होता है। अगला प्रश्न, जब वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है तो गंध और स्वाद में परिवर्तन होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विकृत गंधिता या बासी होना। नेक्स्ट, दांतों की सड़न तब शुरू होने लगती है जब पीएच का मान निम्न से कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 5.5 से कम होता है। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया शर्करा और खाने के बाद मुंह से बचे खाद्य कणों के क्षरण से अम्ल पैदा करते हैं। और अगर बात करें हम मानव की लार की पीएच, तो यह 6.2 से 7.6 तक होती है, और एवरेज 6.7 मानी जाती है। अगला प्रश्न, अपच के इलाज के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो प्रत्यम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक विलयन कुचले हुए अंडे के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। विलयन में क्या शामिल है? तो विलयन में HCl शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि जॉन डाल्टन ने 1802 में प्रतिपादित किया कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी मूलभूत इकाई है। बाद की खोजों से यह स्पष्ट किया गया कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रॉन जो है वह ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन तटस्थ होते हैं और इनमें कोई आवेश नहीं होता। था विकल्प बी और डी दो सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, CH4 यानी मिथेन में किस प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन आबंध होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एकल आबंध। तो मिथेन अणुसंघटन एकल सहसंयोजी आबंध दर्शाता है। 4 हाइड्रोजन परमाणु मिथेन अणु में कार्बन परमाणु के साथ एक-एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। सदिश राशियां वे होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, लेकिन अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। सदिश राशियों में बात करें तो विस्थापन, वेग और बल आदि होते हैं, और अदिश राशियां गति, दूरी आदि होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, वेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परिमाण के दृष्टि से गति और वेग समान है। अगला प्रश्न, वह तापमान जिस पर फॉरेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर एक ही रीडिंग दिखाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, -40 डिग्री। नेक्स्ट, C6H12O6 निम्न में से किस यौगिक को दर्शाता है? तो यह दर्शा तो सूत्र C6H12O6 यह अल्ट्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज आदि जैसे कई यौगिकों को संदर्भित करता है। सामान्य तौर पर सभी को शर्करा के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट, सौर स्थिरांक का मान क्या होता है? तो सौर स्थिरांक का मान 1.36 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, OH समूह का आबंध क्रम क्या है? तो पहला बता दूं कि आबंध क्रम परमाणुओं की एक जोड़ी के बीच रासायनिक बंधों की संख्या है और एक आबंध की स्थिरता को इंगित करता है। OH समूह अथवा अल्कोहल समूह का आबंध क्रम 2 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एथिलीन का। नेक्स्ट, तरल तेल को ठोस वसा में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट है, कौन सा प्रकार एक तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। क्यों तत्वों को गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? धातु जिसमें चमक तन्यता होते हैं जैसे लोहा, मैगजीन वगैरह, अधातु सुस्त और भंगुर होती है जैसे अभ्रक, अर्धचालक को मेटलाइड या उपधातु भी कहा जाता है जिसमें धातु और अधातु दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम आदि। तो विकल्प ई जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, CaSO4 H2O। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के रूप में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जाना जाता है। अगला प्रश्न, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन क्रमशः 7 और 4 है, तत्व कौन सा है? तो यह तत्व होगा लिथियम। ये द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होते हैं? तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इसलिए द्रव्यमान संख्या अगर 7 है तो प्रोटॉन की संख्या 4 प्लस प्रोटॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 3। अतः परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन क्रमशः 12 और 6 है, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसमें प्रोटॉन की संख्या होगी 6। इसे ही मैं बता दूं कि द्रव्यमान की संख्या अभी मैंने बताया कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या 12 दिया हुआ है और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 6 है तो न्यूट्रॉन की संख्या 6 बच जाएगी। नेक्स्ट है, बेकरेल में क्या मापा जाता है? तो बेकरेल में रेडियोधर्मिता मापा जाता है।
निम्नलिखित में से किस मात्रा का इकाई नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपवर्तक सूचकांक। अपवर्तनांक एक आयाम रहित राशि है जो निर्वात की तुलना में किसी माध्यम में प्रकाश की गति को मापता है। नेक्स्ट, केल्विन पैमाने में 37 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 310.15 केल्विन। क्योंकि हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है, इसलिए 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 37+273.15 केल्विन, तो यह कुल मिलाकर 310.15 केल्विन हुआ। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग सबसे तेज गति से किस माध्यम में चलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठोस में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चाल। अदिश राशियां अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जिसमें दिशा नहीं होती है लेकिन परिमाण होता है, तो जैसे गति, दूरी आदि। और सदिश राशियां जस्ट इसके पोजिशन में परिमाण और दिशा दोनों होती है, जैसे वेग, विस्थापन, बल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव माध्यम में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो यह होती है अनुदैर्ध्य। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन नहीं होता है कहाँ? तो हाइड्रोजन जो है वह साधारण नमक में नहीं होता है। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड होता है, इसलिए नमक में हाइड्रोजन अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट है, रसोई गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी कार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है, और एलपीजी का उपयोग जो है हम खाना बनाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए और बी यह दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर सीमा एक श्वेत वामन तारे की किस चीज की ऊपरी सीमा हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान की ऊपरी सीमा हो सकती है। ये चंद्रशेखर इकाई का उपयोग श्वेत वामन के अधिकतम द्रव्यमान को समझाने के लिए किया जाता है, जो 1.44 द्रव्यमान के बराबर होती है, जब सीमा तारे से अधिक होकर न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में बदल जाती है। ड्यूटेरियम एक समस्थानिक है, तो ड्यूटेरियम जो है वह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु एक त्रि आबंध से जुड़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्काइन कहा जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि दिए गए सभी तत्व जो हैं वह अधातु है। और अगर हम सबसे हल्की धातुओं के रूप में देखें तो आवर्त सारणी के हिसाब से पहली 7 वस्तुएं लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम, जिन्हें सामूहिक रूप से सबसे हल्की धातु के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है निक्षेपण। गैस से ठोस को निक्षेपण कहते हैं, ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। वाष्पीकरण तो हम लोग जानते ही हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के ऋण आवेशित भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन। पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल जो है वह तांबे और जस्ता की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता दी गई थी, तो यह दी गई थी एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा।
जंग को रोकने के लिए एल्युमिनियम का गाढ़ा ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम कहते हैं एनोडीकरण। इसका उपयोग संक्षारण या जंग रोकने के लिए किया जाता है। यदि यही प्रक्रिया जस्ते के प्रयोग से की जाती है तो इसे हम गैल्वनाइजेशन कहते हैं, लेकिन अगर एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाए तो एनोडीकरण। नेक्स्ट है स्कूबा ड्राइवर में स्वापकता यानी नार्कोसिस को रोकने के लिए ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया गया गैस क्या है? तो यह होता है नाइट्रोजन, क्योंकि गोता लगाते समय नार्कोसिस क्या होता है कि चेतना में एक प्रतिवर्ती परिवर्तन है जो गहराई में गोता लगाते समय होता है। यह उच्च दबाव पर कुछ गैसों के संवेदनाहारी प्रभाव के कारण होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोटेशियम। नेक्स्ट, शुद्ध सोना जिसे 24 कैरेट सोना कहा जाता है बहुत नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के उद्देश्य से इसे मिश्रित किया जाता है। तो इसमें मिश्रित किया जाता है ऑप्शन ई, क्योंकि शुद्ध सोना इतना नरम होता है कि हर रोज पहना नहीं जा सकता है, इसलिए इसे मजबूती और स्थायित्व देने के लिए इसे चांदी, तांबा, प्लैटिनम, प्लेडियम या जस्ता जैसे धातुओं के मिश्रण के साथ मिलाया जाता है। तो विकल्प ए, बी और सी यह तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। जब किसी धातु को पारे के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाई जाती है तो परिणामी मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अमेलगम। और अमेलगम का एक उदाहरण चांदी और पारा का मिश्रण है जिसका उपयोग दांतों के फिलिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, खाने के डिब्बे पर जस्ते की नहीं बल्कि टीन की परत चढ़ाई जाती है क्योंकि क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट, दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं? तो वे लोग उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक को मुंह का एक बड़ा भाग परावर्तन देता है जबकि प्रकाश का थोड़ा सा अपवर्तन भी करता है। इसका मतलब है कि दर्पण में प्रतिबिंब बड़ी उज्जवल और दंत चिकित्सक के लिए देखने में आसान बनता है। निम्न में से किसका अपवर्तनांक हीरे से अधिक है? तो इनमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि एक पदार्थ का अपवर्तनांक एक आयामहीन संख्या होता है जो यह बताता है कि पदार्थ के माध्यम से प्रकाश कितनी तेजी से गुजरता है। कुछ समान वस्तुओं का अगर अपवर्तनांक देखें तो वायु का 1.09, हीम का 1.3, जल का 1.33, हीरा का 2.42, नीलम का 1.71 और पानी का 1.33। तो इस प्रकार हीरे का अपवर्तनांक उच्चतम होता है, इसलिए उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट, आप दर्पण से कितनी भी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, दर्पण होने की संभावना क्या है? तो यह दर्पण होगी या तो समतल और या उत्तल। नेक्स्ट, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सी पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी आवृत्तियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें। नेक्स्ट, भूकंप के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो भूकंप के दौरान रेडोन गैस निकलती है। फैराड में क्या मापा जाता है? तो फैराड में विद्युत धारिता की इकाई है, विद्युत धारिता को मापा जाता है। नेक्स्ट,
वुड ग्रेन अल्कोहल और कुछ नहीं, सिर्फ, तो यह सिर्फ मेथनॉल होता है। साबुन और अपमार्जक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि ए भी सही है, सारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का संकेत क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आंधी या तूफान। अगला प्रश्न है, हाइड्रोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? तो यह शून्य होता है। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश तरंगे। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने पर विद्युत चुंबकीय किरणें विक्षेपित नहीं होती है, केवल गामा किरणें ही इस स्थिति को संतुष्ट करती है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? तो यह बैंगनी रंग का ठोस है, सॉरी। पोटेशियम परमैंगनेट एक सामान्य रासायनिक यौगिक है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैंगनीज ऑक्साइड अयस्क को मिलाता है। यह एक बैंगनी काले क्रिस्टलीय लवण होता है जो जल में घुलकर अत्यधिक गुलाबी और बैंगनी रंग का घोल बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रक्रिया में माध्यम के कणों की वास्तविक गति के बिना ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चालन। अपेक्षित आर्द्रता निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो यह मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, तो यह पहुंचती है विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट, गामा किरणें है, तो गामा किरणें अनावेशित है। अगला प्रश्न, मोतियाबिंद का इलाज किसके द्वारा किया जा सकता है? तो मोतियाबिंद का इलाज शल्य चिकित्सा द्वारा किया जाता है। मोतियाबिंद आंख के सामान्य रूप से स्पष्ट लेंस का एक धुंधलापन है। मोतियाबिंद वाले लोगों के लिए धुंधली लेंस के माध्यम से देखना एक बर्फबारी अथवा धुंध के समय खिड़की से देखने जैसा प्रतीत होता है। यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाता है तो मोतियाबिंद अंततः पूर्ण अंधापन का कारण बन जाता है। तो इसका इलाज जो है वह सर्जरी अथवा शल्य चिकित्सा से ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है, वह यंत्र जो परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती है, तो उसे कहा जाता है गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो कैसे? तो इसे की श्रेणी क्रम में एक बहुत ही उच्च प्रतिरोध को जोड़कर। नेक्स्ट, एसी डायनेमो या जनरेटर एक यंत्र है जिसका उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो क्या परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, चुंबक के दो समान ध्रुव जो हैं वह एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। नेक्स्ट, रुधिर वर्णिका यानी हेमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि हेमोग्लोबिन रक्त में लाल रंग द्रव्य, एक प्रोटीन घटक और एक परफिरिन व्युत्पन्न का लौह कॉम्प्लेक्स होता है। हेमोग्लोबिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। रेक्टिफायर परिवर्तित करता है, तो रेक्टिफायर प्रत्यावर्तित धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है।
अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह एम फैराडे को दिया जाता है। पहिएदार वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑडोमीटर की उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एरोसोल एक संयोजन है, तो यह एरोसोल हवा या किसी अन्य गैस में सूक्ष्म ठोस कणों या तरल बूंदों का निलंबन होता है। एरोसोल प्राकृतिक या मानव जनित हो सकते हैं। प्राकृतिक एरोसोल उदाहरण है कोहरा या धुंध, धूल और गीजर भाप इत्यादि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। समुद्र में पानी के विलवणीकरण में निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्क्रम पराशरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस एक जल शोधन प्रक्रिया है जो पीने के पानी से आयनों, अवांछित अणुओं और बड़े कणों को अलग करने के लिए आंशिक रूप से पारगम्य झिल्ली का प्रयोग करती है। नेक्स्ट, एनोड किरणों तथा धनात्मक किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा। परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान किस पर केंद्रित होता है? तो यह केंद्रित होता है नाभिक पर। परमाणु रिएक्टर में निम्न में से किसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि मूल रूप से जब एक समूह से नीचे आते हैं तो तत्व भारी होते जाते हैं, क्योंकि उनके नाभिक में अधिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है वह है पारा। तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिथियम, क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है और यह आवर्त सारणी में पहली धातु है, इसलिए परमाणु द्रव्यमान कम है और घनत्व सबसे कम है। अधिक घनत्व वाली वस्तु जो है वह धातु टंगस्टन होती है। अगला प्रश्न है, मोतियों का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका मुख्य अवयव है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 10.5। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कमरे के तापमान पर एक सफेद कास्टिक अल्कलाइन और क्रिस्टलीय ठोस होता है। नेक्स्ट है, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। तो प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त गैस का एक मिश्रण है। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सफेद सोना के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लेटिनम। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? यह निर्भर करती है आयाम पर। ऑप्टिकल उपकरणों के लिए निम्नलिखित में से किस ग्लास का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लिंट कांच का प्रयोग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दर्दनाशक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैलियम। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है? तो यह है लाह। आरडीएक्स जाना जाता है, तो आरडीएक्स जाना जाता है साइक्लोनाइट के रूप में भी। सामान्य वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 5.6। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चूहा मारने के लिए उपयोग किया
किया जाता है। इसका राइट आंसर हो गया जिंक फास्फाइड। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है एक बारूद बनाने में, उर्वरक के रूप में, दवा के उपयोग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पाद होते हैं, क्या होते हैं? तो लवण और जल। निस्सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में या सीमित आपूर्ति में इसके गलनांक से निम्न स्तर पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है निस्तापन। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर निम्न में से किस धातु की मिश्र धातु है? तो जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल की मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। स्टेनलेस स्टील में अधातु घटक क्या है? तो अधातु घटक कार्बन है। नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी किसके बीच आकार की संरचनाओं से संबंधित है? तो यह 1 से 100 नैनोमीटर। एक तो निम्न में से कौन अर्धचालक या उपधातु है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि आवर्त सारणी में सीमित संख्या में अर्धचालक है, जिसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, सेलेनियम और ट्यूलेरियम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई, 1 से अधिक। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इंफ्रा सोनिक। यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो प्रवाह कहा जाता है हाइपरसोनिक। जब सरल आवर्त गति करने वाला एक कण अंतिम छोर पर होता है तो कण का वेग 0 होता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि लिफ्ट एक समान गति से नीचे की ओर आ रही हो तो पिंड का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होता है। नेक्स्ट है न्यूटन के पहला नियम को इस रूप में भी जाना जाता है, उनके फर्स्ट नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जा सकता है जाता है। और वहीं दूसरा नियम को हम लोग संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं और तीसरा नियम बल का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है अधिकतम क्षैतिज परास को कवर करने के लिए प्रक्षेप्य गति के लिए कोण कितना होना चाहिए? तो यह होना चाहिए 45 डिग्री। नेक्स्ट आयनिक यौगिक किस अवस्था में विद्युत का चालन कर सकते हैं? तो आयनिक यौगिक ऋणायनों और धनायनों में से इस प्रकार बने होते हैं कि उसमें आवेश संतुलन और समग्र यौगिक विद्युत रूप से तटस्थ हो। तो बिजली के संचालन के लिए एक आयनिक यौगिक पिघला हुआ और विलयन के रूप में होना चाहिए, और आयनिक यौगिक ठोस रूप में बिजली का चालन नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। निम्न में से किसका उपयोग फलों और रसों के लिए परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो इसमें बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गॉस निम्न में से किस मात्रा की इकाई है? तो यह चुंबकीय प्रेरण की इकाई है। अगला प्रश्न, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो यह 0 होता है। एक सर्किट के समानांतर में कौन सा उपकरण जुड़ा रहता है जो इसके माध्यम से प्रवाह वाले विद्युत धारा की मात्रा को कम करता है? तो इसमें संट जोड़ा रहता है। संट प्रतिरोध को एमीटर से जोड़कर रीडिंग की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से विद्युत रोधी हैं या इंसुलेटर हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रबड़। अगला प्रश्न, दिन की अवधि में लगभग 4 मिनट की वृद्धि प्रतीत होती है, किसके कारण? तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रतीत होती है।
चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है? तो यह 1.28 सेकंड में पहुंचता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ अधिकतम होता है? तो यह ध्रुव पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 न्यूटन, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। यहाँ पे द्रव्यमान जो है वह 1 kg है और त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 न्यूटन होगा। नेक्स्ट है, यदि पिंड का त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ज्ञात बल 50 न्यूटन है तो पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यदि हम देखें तो फोर्स इजकल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 50 न्यूटन के बराबर होगा मीटर इनटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर बराबर होगा 50/10 और करेंगे तो यह हो जाएगा 5 kg। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 kg। अगला प्रश्न है, 200 न्यूटन का एक सामान्य बल 0.02 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर कार्य करता है, पास्कल में दबाव ज्ञात करें। तो अगर हम दाब बराबर देखें तो यह होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो दाब बराबर 200 न्यूटन बटा 0.02 मीटर स्क्वायर, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 10,000 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 पास्कल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10,000 पास्कल। नेक्स्ट है, एक पिंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 100 न्यूटन के जोर से 50,000 PA के दबाव का अनुभव करता है। तो यहाँ भी जैसा कि दाब जो है वह 50,000 पास्कल है, उसके अलावा बल जो है वो 100 न्यूटन दिया गया है, और हम जानते हैं कि दाब बराबर जो होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। इस हिसाब से 50,000 पास्कल इजकल टू 100 न्यूटन और इजकल टू एरिया। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह होगा 2/1000 मीटर स्क्वायर, अर्थात 2×10^-3 मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सॉरी ऑप्शन ए आंसर। अगला प्रश्न है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में अधिक परिवर्तन का कारण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसके वेग में बदलाव, कि गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv² होता है और वेग में परिवर्तन होगा तो गतिज ऊर्जा के द्रव्यमान परिवर्तन की तुलना में बहुत अधिक परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई,
बरॉन एक उपधातु है जो धातुओं और अधातुओं के बीच का मध्यवर्ती है। यह कई बहुरूपताओं में मौजूद रहता है, दूसरे की तुलना में कुछ अधिक धातु है। बरॉन आमतौर पर आयनिक आबंध नहीं बनाता है या स्थिर सहसंयोजक आबंध बनाता है, हालांकि विश्व प्रकाश के लिए पारदर्शी बोरॉन अवरक्त प्रकाश के कुछ हिस्सों को संचारित करता है। नेक्स्ट, यदि बल बराबर 10 न्यूटन और द्रव्यमान बराबर 100 ग्राम है तो पिंड का त्वरण कितना होगा? तो पिंड का त्वरक अभी हमने बताया था कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि 10 न्यूटन बराबर 0.1 केजी इनटू एक्सेलरेशन, तो त्वरण बराबर 10/0.1 होगा, यानी कि 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। प्रतिरोध विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के बाधा का माप है। प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, जो ग्रीक अक्षर ओमेगा का प्रतीक है। विद्युत रोधी अथवा इंसुलेटर वह सामग्री है जो उच्च प्रतिरोध पेश करती है और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को प्रतिबंधित करती है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध अधिकतम होता है और समानांतर क्रम में जुड़े होने पर प्रतिरोध न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, टॉर मापने की इकाई क्या है? किसकी इकाई है टॉर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दाब, और एसआई में इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो यह होता है 0.746 किलोवाट के बराबर। नेक्स्ट, किए गए कार्य की एसआई मात्रक क्या है? तो यह है जूल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नोबल गैस है? तो नोबल गैस आवर्त सारणी के समूह 18 को बनाने वाले 7 रासायनिक तत्वों में से कोई भी तत्व, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन और ऑग्निशन नोबल गैस कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व अम्ल का एक आवश्यक अवयव है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो यह लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। जब एक ट्यूबलाइट टूटती है तो एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है, क्यों? तो क्योंकि लैंप के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवं लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल इमली में प्रचुर मात्रा में होता है? तो इसमें टार्टरिक अम्ल होता है, इमली, अंगूर, सेब आदि में टार्टरिक अम्ल होता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह टेस्ट प्रैक्टिस काफ़ी लाभप्रद लगा होगा। तो फिर से एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, हैव अ नाइस डे।